बॉलीवुड ने हमें अब तक अनगिनत फिल्मों का नजराना दिया है, जिनमें दिलचस्प कहानियाँ, बेहतरीन अदाकारी करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियाँ और लाजवाब व कालजयी गीत संगीत शामिल रहा है। इनमें फिल्मों का गीत संगीत एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुका है। अब तक हजारों गानों ने हमारे दिलों पर कब्जा कर रखा है। किसी गाने के लिरिक्स ने, किसी गाने के संगीत ने, तो किसी गाने की पिक्चराइजेशन ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करने वाले हैं, फिल्म याराना का गाना सारा ज़माना हसीनों का दीवाना। ये गाना तो आपको याद ही होगा। गाना जितना बेहतरीन है उतना ही अच्छा है इसका पिक्चराइजेशन। इसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बल्ब वाली जैकेट पहनी थी, जो इस गाने को बेहद खास बना देती है। इस जैकेट का आइडिया फिल्म के मेकर्स को कहां से आया था, इसका जवाब सैकड़ों बार फिल्म देख चुके अमिताभ के जबर फैंस को भी नहीं पता होगा। अमिताभ की इस जैकेट का किस्सा बेहद दिलचस्प है। तो आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्मटेनमेंट। तो चलिए बात करते हैं इस खास जैकेट की, जो महानायक अमिताभ बच्चन ने याराना फिल्म के इस गाने में पहनी थी। फिल्म याराना में अमिताभ बच्चन ने एक सिंगर का रोल निभाया था। इस फिल्म के एक गाने में उन्हें रॉक स्टार की तरह प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए उन्होंने अपनी कॉस्ट्यूम और डांस स्टेप्स पर काफ़ी मेहनत की थी। इस गाने को और भी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अमिताभ कुछ नया आइडिया सोच रहे थे। इसी दौरान अमिताभ ने एक हॉलीवुड फिल्म देखी। इस फिल्म का नाम था द इलेक्ट्रिक हॉर्समैन। इस फिल्म में लीड एक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ट ने एक बल्ब वाली जैकेट पहनी थी। इसे देखने के बाद ही अमिताभ को लाइट बल्ब वाली जैकेट का आइडिया आया और फिर अमिताभ ने डायरेक्टर को ऐसी जैकेट बनाने को कहा। फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार को भी ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इस तरह इस गाने को बल्ब वाली जैकेट के साथ शूट करने का फैसला कर लिया गया। जैकेट बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसमें एक कमी थी। बल्ब लगाए जाने के कारण इसमें बहुत सी बिजली की तारें भी थीं। जैकेट से निकलकर ये तारें अमिताभ की पैंट से होते हुए एक इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाती थीं। इसे पहनने और फिर डांस स्टेप करने पर करंट लगने का तगड़ा खतरा था, मगर बिग बी ने हिम्मत करके जैकेट पहनी और पूरा गाना फिल्माया गया। हालांकि अमिताभ ने इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास बैठे इलेक्ट्रीशियन से पहले ही कह दिया था कि अगर वो कांपने लगे तो तुरंत ही स्विच को ऑफ कर देना, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं कि स्विच ऑफ करने की नौबत आती और गाना बेहतरीन तरीके से फिल्मा लिया गया। उस टाइम में तो इस गाने ने धूम ही मचा दी थी। आज भी ये गाना कितना बड़ा हिट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस गाने में अमिताभ बच्चन का अंदाज़ देखते ही बनता है। अमिताभ ने इस गाने में जो डांस किया था उससे पहले लोगों ने उनका ऐसा डांस नहीं देखा था। इस बारे में अमिताभ ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया था कि डांस इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि उन्हें बिजली के झटके लग रहे थे। अमिताभ का यह किस्सा बताता है कि उन्हें अपने काम से कितना प्यार है और वो अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तभी तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम आदमी तक उनके फैंस की कोई गिनती ही नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और अमिताभ की जैकेट से जुड़ा ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।